हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतनाज बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं रत्ना सिन्हा और हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12। पिछले क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा कंप्लीट कर लिया था और पोलन की इम्पोर्टेंस ये सारा हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज गाइनीशियम। अब गाइनीशियम इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल। गाइनीशियम मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल और मल्टीपल पिस्टल। ये दो तरह से है जो कि हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अगर एक पिस्टल का है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर बहुत सारे पिस्टल्स दिखते हैं तो हम उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। मोनोकार्पेलरी एक हो गया, मल्टी अनेक हो गया। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो है सिनकार्पस कंडीशन और एक है एपोकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस का मतलब होता है, सिन का मतलब हमेशा होता है यूनाइटेड, यानी कि कार्पस आर यूनाइटेड, बहुत सारे हैं और सारे के सारे यूनाइटेड हैं। एपो का मतलब होता है फ्री, अगर कार्पल्स हैं और सारे के सारे कार्पल्स अगर फ्री हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। उसके बाद आता है कि ये जो एक पिस्टल है वो कैसा होता है, पिस्टल का लुक कैसा होता है, इसे हम एक बार देखेंगे। वैसे ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ऊपर स्टाइल होता है, दिस इज स्टाइल। पोलिनेशन के समय ये पोलन को रिसीव करती है। दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, पोलिनेशन के समय पोलन को रिसीव करती है। दिस इज स्टाइल, चैनल लाइक है। इट मे बी हॉलो और मे बी सॉलिड। पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के समय, इसको हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। और लोअर पोर्शन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ सोलन, दिस इज ओवरी, और ओवरी के नीचे भी एक स्ट्रक्चर हमें दिखती है जिसे हम कहते हैं थैलमस, क्योंकि ओवरी हमेशा थैलमस से अटैच होती है और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। अभी हम इस ओव्यूल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओव्यूल जो है ये ओवरी से जुड़ी हुई है। अब डायग्राम को देखिए, NCERT पेज नंबर 25 में बहुत क्लियर पिक्चर है। ये जो डायग्राम है, दिस वन इज द पिस्टल ऑफ हिबिस्कस चाइना रोज, और ये अकेला ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल एंड देन ओवरी। अब मल्टीकार्पेलरी में ये है पापावेर का डायग्राम। पापावेर यानी कि ओपियम, हिंदी में अफीम कहते हैं। यहाँ पे दिस इज द सिनकार्पस, ऑल द ओवरी इज जॉइंड हियर, और जॉइनिंग की वजह से हम इसे कहते हैं सिनकार्पस। और ये वाला डायग्राम है निकेलिया। निकेलिया में सारे के सारे कार्पल्स जो है दैट इज टोटली फ्री इन नेचर, तो इसे हम कहते हैं एपोकार्पस। अब यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि ये जो ओवरी है ये ओव्यूल से अटैच्ड है, तो ओवरी जिस पॉइंट से अटैच होती है उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब है प्लेसेंटा जो है विच टू विच प्लेसेंटा इज स्ट्रक्चर टू विच ओव्यूल इज अटैच्ड। अब इसका हम डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे। डायग्रामेटिक स्टडी ऐसा है कि ये जो है ये वाली स्ट्रक्चर जो है दिस इज ओवरी, और ओवरी के साथ हम यहां पर आपको दिखाएंगे एक डायग्राम, पर्पल कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक टिश्यू है और ये जो टिश्यू है इसे कहते हैं प्लासेंटा। इस प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर है लेयर लाइक, वो निकल रही है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। इस तरह का स्ट्रक्चर ये जो है प्लेसेंटा से निकल, ये डंडी जो निकल के आगे की ओर जा रही है इसे कहते हैं फ्यूनिकल। जब ये फ्यूनिकल आगे की ओर बढ़ती है तो ये जो स्ट्रक्चर है आगे की ओर बढ़ने पर इसका नाम होता है
हीलम। और ये जो इंटेग्यूमेंट है अंदर की ओर घुसते जा रही है, ये दो लेयर की होती है और इसे हम कहते हैं बाइटेग्मिक, बिकॉज दो लेयर है, इसे कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इसे कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब ही होता है एक तरह का स्किन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कवर है। और ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल का है और मेगा स्पोरेंजिया। ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं चलाजा और नीचे ये ओपन है स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है माइक्रोपाई। यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये टिश्यू है यहां पर प्रेजेंट, और ये सारे जो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है इस टिश्यू को हम कहते हैं न्यूसेलस। अब ये जो है ये न्यूसेलस है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। एक बार देखिए ये कहां पर है, ये सब ओवरी के अंदर है। ओवरी के अंदर ये प्लेसेंटा है जिससे ये अटैच्ड है, ये स्टॉक है जिसको आगे की ओर ये लेयर को लेके जा रही है। तो ये जहां से अटैच्ड है इसे हम फ्यूनिकल बोल रहे हैं, आगे वाली स्ट्रक्चर को हीलम, और ये जो है इंटेग्यूमेंट जलती है तो ये दो लेयर में फॉर्म हो जाती है, और एक को हम आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं और एक को इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। अंदर की टिश्यू को हम न्यूसेलस कहते हैं। अब इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये है यहां पर एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एग फॉर्मेशन होता है और यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोरोजेनेसिस का ही एक पार्ट है जिसको कि अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी आगे की डिटेल स्टडी करते हैं, चलिए अब आगे समझेंगे। आगे का हमारा अगला टॉपिक है That is megasporogenesis. एक बार के लिए पुराना डायग्राम को हम लोग रिकैप कर लें। ये एक टिश्यू है और यहां पर इस टिश्यू पर ये प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा से आगे ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, यानी कि ये ओव्यूल है और ये लेयर्स है, और यहां पर जो टिश्यू हम आपको दिखाए थे ये न्यूसेलस है और ये वाला एरिया जो है ये अपर्चर जिसको हम कह रहे हैं, ये अपर्चर जो है दिस इज माइक्रोपाई। अब यहां से इस माइक्रोपाइल के माइक्रोपाइलर एंड, इस माइक्रोपाइलर एंड से एक सेल जो है न्यूसेलस की आगे आती है और बढ़ती है, और ये जो बढ़ने वाली सेल है इसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। देखिए इसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल, ये 2N है, मदर का मतलब ही है ये माता है, ये जन्म देगी। ये यहां पर जो कि न्यूसेलस की सेल है माइक्रोपाइलर एंड की ओर है वो आगे की ओर बढ़ती है और मेगा स्पोर मदर सेल बनती है, और ये जाती है मियोटिक डिवीजन में। अब मियोटिक डिवीजन हम सारा पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, और यहां पर 4 हैप्लोइड सेल्स बनती, एन 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 और एन। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं 4 हैप्लोइड सेल्स क्या चीज है। इसमें से ये जो 3 जो है जो चलाजा की ओर है, ये 3 सेल्स जो चलाजा की ओर है, इट गेट्स डीजेनरेट। देखिए ये 3 सेल्स जो ऊपर वाली है डीजनरेट हो जाती है। मैं डीजनरेशन का एक आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पे 4 है, ये डीजनरेट हो रही, डीजनरेट हो रही, ये भी डीजनरेट हो रही, ये एक्टिव। और जो सबसे एक्टिव सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की ओर, ये एन है, बस अकेली ये वाली सेल जो है सर्वाइव करती है। अब आगे हम इसे ले चलते हैं, आगे यहां पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और इस माइटोसिस के प्रोसेस में क्या चीज होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब तो आपको पता होगा क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। और यहां पर जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो ये 1 से 2 बन जाते हैं,
और दो के बाद अगेन ये कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू होती है और ये 3 बार होता है और यहां से 2 से ये 4 बन गए और 4 के बाद ये 8 बन जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये देखिए ये सारा चीज यहां पर हो रहा है, ये जो सेल है न्यूक्लियस की वो आगे बढ़ गई है और 8 सेल बन करके ये जो है मेगास्पोर मदर सेल वाली जो है इसका सेल का साइज इंक्रीज होता है और ये अब यहां पर इस पे जो डिवीजन होती है साइटोकाइनेसिस भी लास्ट में ऑब्जर्व किया जाता है। 3 सेल ऊपर की ओर अरेंज हो जाती है और 3 सेल नीचे और बीच में 2 सेल। अब ये जो सेल है जो ऊपर की ओर अरेंज हुई है जो चलाजा के पास है और ये वाला एरिया किसका है, माइक्रोपाइल का, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये 3, ये जो दोनों हैं इन्हें हम बोलते हैं ये एंटीपोडल सेल्स है, ये दोनों सिनर्जिड्स है, ये एग सेल है और इकट्ठे इन दोनों को कहते हैं हम एग अपैरेटस और ये है सेंट्रल सेल। ऑब्जर्व करिए डायग्राम, ऊपर वाले जो हैं वो सारे के सारे एंटीपोडल्स हैं जो कि चलाजल पोल पर हैं और नीचे वाले माइक्रोपाइलर पोल पर हैं। सिनर्जिड एक है, 2 सिनर्जिड है एक एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है और एंटीपोडल। अगर इसको काउंट किया जाए तो इसको हम इसका नाम जो देते हैं ये एम्ब्रियो सैक है और अगर टोटल इसका काउंट किया जाए तो इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो देखिए ये डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व करिए, ये सब कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है न्यूसेलस का एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो है एक सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है, उसके 3 सेल्स हैं मियोटिक डिवीजन के बाद डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही बचता है ये कैरियोकाइनेसिस में जाते हैं, यहाँ पे 2 सेल बन रहे हैं और 2 सेल बनने के बाद ये 4 के बाद 8 बन जाते हैं, देन साइटोकाइनेसिस अकर्स और ये है ऊपर 3 नीचे 3 और सेंटर में 2 सेल्स हैं और इस तरह से ये क्या बन जाता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। चूंकि एक स्पोर से सारा चीज बना है इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो स्पैर। एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम आगे प्रोसीड करेंगे।